अभी टाइम हो रहा है 5:50 गाइस, और गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो भाई अभी मैं निकल चुका हूँ कुछ स्पेशल काम के लिए, और आज का व्लॉग भी स्पेशल होने वाला है। डायरेक्ट मोटो व्लॉग कर रहा हूँ बिकॉज़ यार टाइम ही नहीं मिला मेरे को व्लॉग करने का, क्योंकि भैया जो मुझे पिकअप करने आए वो आ चुके हैं। 10 मिनट तो हो गए उनको वेट करते हुए, तो मैं सोचा यार उनको ज़्यादा लेट ना करें, जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। और सुबह सुबह का टाइम है यार। तो गुड मॉर्निंग गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरजे बाइकन JPR गाइस। और भाई आज हम जाने वाले हैं दिल्ली। दिल्ली इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ से कुछ भाई अपन ऐसी ऐसी चीज़ें लेके आएंगे जो आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। सुबह सुबह पूरी रोड खाली है तो फुल टोटल हो जाए एक बार। तो 5:00 मैंने आपको बोला था 50 मिनट हो रही है, अभी देखते हैं अपन 12 किलोमीटर कितनी देर में कवर कर लेते हैं। अभी बाइक की स्पीड है 102, अभी जाके भाई 102 जा रही है। मिलियन राइडर है, मेरा भाई बेटा है मेरे साथ में पीछे। सुबह सुबह का यही तो फायदा है भाई, रोडें पूरी खाली मिलती है एकदम चाचा। तो फाइनली पहुंच गए 5:56 पे। ले उधर ये रही अपनी कार, और भैया चाय वाय पी रहे होंगे शायद। हाँ रुक रुक, हेलमेट लेके जा तू। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं, और गाड़ी पीछे खड़ी है, ये रहे भैया अपने चाय की थड़ी पे बैठे हैं। तो कुछ टाइम वेट करवाया मैंने आपको, तो अभी भाई मिलते हैं भैया से। तो विकास भी ऐसे वैसे आप जैसलमेर वाली जो ट्रिप थी ना उसके अंदर मिले होंगे, और अपने नए मित्र है सीकर से यार है, और मैं गोविंदगढ़ से। ये मीडियम मोड है अपना, इसके अंदर माइक की जरूरत नहीं है अपने को, ये फायदा इसका। तो लेट अब बस, हाँ बस वो थोड़ा सा लेट हो गया, मैं भी 4 बजे का प्लान था लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया, फिर मैं भी उठने में लेट हो गया, थोड़ा सा आने में टाइम लग गया मेरे को, क्योंकि छोटे वाला भाई उठा ही नहीं था उस टाइम पर। तो भाई चाय वाई पीते हैं यहाँ से और फिर निकलते हैं दिल्ली के लिए गाइस, मिलते हैं 5 मिनट के बाद। A few moments later. तो गाइस अभी पहला टोल आ चुका है, और ये रहा फर्स्ट टोल हमारा। तो इसके आगे जाते हैं हम भाई, जो दिल्ली हाईवे वो पकड़ लेंगे और कवर कर लेंगे वहाँ से चोमू चंदवाजी, और ये वाला जो रूट है चोमू चंदवाजी यानी कि चोमू से सीधा ये दिल्ली हाईवे पे जाके कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा टोल पे करना पड़ेगा अपने को वैसे। तो गाइस बिल्कुल इस वीडियो में बहुत अल्टीमेट फन होने वाला गाइस, तो चलते आगे यहाँ पे करते हैं टोल पे। तो भाई अभी सुपर व्यू पे आ गए हैं, और वाइड एंगल फुल वाइड एंगल, और भैया कर रहे हैं ड्राइव, और यहाँ का भाई जो व्यू है बहुत अल्टीमेट है, ये देखो यहाँ की सड़कें। तो अभी टाइम हो रहा था मेरे हिसाब से 6:30 गाइस, और फोगी थोड़ा सा फोगी हो रहा है। तो गाइस आपको बीच बीच के अंदर थोड़े से सिनेमेटिक शॉट और टाइम लैप्स देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर भाई फुल फन और नेक्स्ट लेवल वाला फुटेज आने वाला है। इसके लिए एक लाइक बनता है, और अभी तक भाई यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब भी कर लो, और चलते आगे और दिल्ली से बाइक खरीद के लाएंगे बहुत सारा सामान, वो भी दिखाएंगे आपको वीडियो के अंदर। आगे बताएंगे नहीं कि क्या लेके आएंगे हम, कुछ सस्पेंस है आपके लिए जो आपको वीडियो में आगे देखने के लिए मिल जाएगा। इस रोड पर टंकी दिखेगी, और वैसे विकास भैया का बोलना ही है कि इस रोड पर ट्रक ही दिखेंगे, तो ये बात तो बिल्कुल सच है। कोई भाई है जो नेशनल हाईवे है ना, इसके ऊपर ट्रक बहुत ज़्यादा चलते हैं, बहुत ही ज़्यादा, और भैया बाइक को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इनके पास डोमिनार 400 है, तो ये बोल रहे थे बाइक होती तो भाई अभी तक इससे आधा इससे ज़्यादा यानी कि 2 गुना रास्ता कवर कर लेता मैं। तो मैंने बोला बाइक का फन अलग है, कार का फन अलग है यार। तो भाई लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, यहाँ पे दिखाते हैं आपको भी कि हम यहाँ पे क्या करने के लिए रुके हैं। कुछ एक छोटा सा गाड़ी की चाबी कहाँ गई? तो मिल गई भाई चाबी, तो यहाँ पे रुके थे कुछ। तो यहाँ पे भाई कुछ छोटा सा सुनने का काम किया जाएगा, यानी कि
बंदर को केले वगैरह खिलाते हैं। और दूध पी रहे एक और उसको भी ले 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 आजा। ओ दो दो भाई इसकी तो लॉटरी लग गई, दो दो मिल गए इसको, इसको दो इसको आ। अरे पूरे नहीं पूरे नहीं, आराम से आराम से आराम से, तेरी लूट माच गई भाई लूट। तो वो देखो एक दो तीन लेके भग गया, कोई दो लेके भग गया गाइस। तो भाई इसको तो बेचारे को एक ही मिला यार, इसको तो दो मिलने चाहिए थे। बट भाई वो बहुत तगड़ा शैतान है, वो एक साथ लेके भग गया तीन चार, यानी कि फीमेल है तो किसी को दो मिला किसी को तीन मिला यार। तो वो कहते ना भाई ऐसे नहीं देंगे तो छीन के ले लेंगे, तो भाई छीन के भग गए सबके सब। और बस यार इनको कुछ खाना वाना खिलाने के लिए रुके थे यहाँ पे। और वैसे हमने कितना किलोमीटर कवर कर लिया होगा अभी, 50 किलोमीटर कवर कर लिया है और अभी 200 किलोमीटर के आसपास में होगा, है ना। तो भाई अभी चलते हैं आगे और बाकी का वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बट उससे पहले भाई आप मेरे YouTube चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो, और अभी तक भाई Instagram ID पे फॉलो नहीं किया तो Instagram ID पे फॉलो कर लो जल्दी से जाकर। तो भाई अभी आ चुके हैं होटल हाईवे किंग, सामने देख सकते हो आप, और यहाँ पे भाई ब्रेकफास्ट के लिए रुकने वाले हम। और एक बार यहाँ का खाना मेरे लिए फर्स्ट टाइम होने वाला है, तो टेस्ट भी फर्स्ट टाइम होगा, देखते हैं कैसा क्या मिलता है। नाम सुना है मैंने बहुत ज़्यादा इस होटल का भाई, होटल हाईवे, होटल हाईवे किंग, होटल हाईवे किंग, तो सच में किंग है कि नहीं है देखेंगे चल के। तो अभी दिल्ली यहाँ से होगा करीबन 50 से 70 किलोमीटर के आसपास में, अभी हम पहुँच गए होटल हाईवे किंग। और ब्रेकफास्ट करते हैं और चलते हैं अंदर और बताते हैं आपको भी यहाँ का कैसा क्या है खाना और फीडबैक देते हैं फिर। तो अभी तो चाय ऑर्डर की हमने, ठीक है, और एक पनीर डोसा वहाँ। तो अभी फाइनली हम आ गए भाई कुछ खाने पीने के लिए होटल हाईवे किंग, और विकास भैया ने भाई एक चाय ऑर्डर की है और एक पनीर डोसा, ये रही यहाँ की लिस्ट। वैसे कुछ भारी नहीं खाने वाले हम, जो भी लेंगे बिल्कुल हल्का फुल्का लेंगे अभी, क्योंकि वो भी अभी हमारे को और भी राइड करनी है, ड्राइव करनी है, आगे जाना है ना। ओ सॉरी अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं लंच के टाइम पे। तो भैया का ये बोलना है कि अभी जो वो डायलॉग माना से कुमार वाला कौन सा, पानी तो सिर्फ पौधों के लिए है। पानी तो सिर्फ पौधों के लिए, बियर पीते हैं, वाटर ड्रिंक बियर, यस राइट। तो भैया ने बिल्कुल सही डायलॉग मारा और मेरे को बिल्कुल सही टाइम पे याद आया गाइस। तो पहले चाय पीते हैं और फिर जो भी है यहाँ का हल्का फुल्का खा के निकलेंगे, और जो भी फीडबैक है आपको देखने के लिए मिल जाएगा अभी थोड़ी देर में। तो भाई टाइम लैप्स एंजॉय करो आप। खा लिया है और कैसा क्या फीडबैक आप बताओ। बढ़िया बढ़िया एक नंबर। तो भाई टेस्टी है, चाय भी अल्टीमेट नेक्स्ट लेवल, और डोसा भी बहुत ही अच्छा लगा। और हमारा जो बिल बैठा है वो 273 रुपये का बिल बैठा है गाइस। तो भाई लोग बाग क्या सोचते हैं ना कि भाई ऐसे VIP है लग्जरी टाइप का तो थोड़ा कॉस्टली होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता मेरे भाई, सारी रेट इसके अंदर नॉर्मली है, 300-400 तक है टोटल रेट। बाकी ये फिनिश कर लिया हमने थाली, और अभी कुछ पेमेंट बाकी है, वो पेमेंट आ जाए अपना फिर चलते। तो इनको इंडिया का खाना बहुत बढ़िया लगता है, खाना पीना हो गया, और यहाँ पे भाई जो फैसिलिटी है वो तगड़ी वाली फैसिलिटी है बैठने की। और कैसा लगा आपको, आप तो वैसे आते रहते हो, मेरा था फर्स्ट टाइम। तो हाँ मेरे को तो वैसे लगा जैसे पहला लगता है। भैया तो काफ़ी टाइम आ चुके हैं, काफ़ी बार आप भी गए यहाँ पे, मेरा फर्स्ट टाइम था होटल हाईवे किंग के खाने पे जो भी था, बट एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा रहने वाला है यहाँ का, मस्त अल्टीमेट। कभी भी आ रहे हो भाई दिल्ली भी, दिल्ली आ रहे हो ना आप कभी भी, तो यहाँ पे एक बार आके विजिट जरूर करना। हम चलते हैं
तो गाइस हरियाणा के बॉर्डर पे आ चुके हैं, यानी कि दिल्ली के अंदर जो बॉर्डर लगता है वो हरियाणा का बॉर्डर लगता है। और यहाँ पे भाई पेट्रोल और डीजल 15 रुपये सस्ता है राजस्थान में भाई। तो यहाँ पे जो डीजल का भाव है ना, मैंने अभी जो देखा है 89.47 है गाइस। तो यहाँ पे डीजल का ये है, और अभी आपको दिखा भी देंगे। हाँ बिल्कुल 89.47 ही है, बिल्कुल सही है। तो गाइस दिल्ली पहुँचने वाले हैं, और दिल्ली वाला शायद लास्ट टोल होगा ये। हाँ भैया, हाँ तो दिल्ली वाला लास्ट टोल है गाइस, और दिल्ली पहुँचने वाले हम। और फिर उसके बाद में यहाँ पे हम इस काम के लिए आए हैं वो बता ही देते हैं हम आपको। जो हम आए ना यहाँ पे, एक हेलमेट परचेस करेंगे, एक राइडिंग गियर परचेस करेंगे, और भाई एक न्यू कैमरा भी परचेस करेंगे, और भी बहुत कुछ लेने वाले हैं। जो भी पसंद आएगा वो सब कुछ परचेस करेंगे आज भाई। तो बस पूरा रेडी सेडी होके आए हम, ताकि जो पसंद आए वही ख़रीद लेंगे गाइस आज। और हम जाएंगे करोल बाग, और चांदनी चौक भी जाऊँगा मैं, भैया घुमाएंगे आज। और एक और कौन सा एक और है वहाँ पे मार्केट, एक कौन सा मार्केट है, एक चांदनी चौक हो गया, एक करोल बाग, एक और हो गया वहाँ पे, एक और है एक मार्केट और, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, पाली का शायद, हाँ वही हो सकता है। वहाँ पे भी जाएंगे, और मेरे दोस्त से फ़ोन करके मैं पूछ लूँगा कौन सा मार्केट है।